अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर गाइज डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक अगैन टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। और यहाँ अशर का मूड हो गया ख़राब। अभी गाड़ी रुकेगी ना, बता दे। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जा रहे हैं पैराडाइज फार्म, और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस फार्म में। ये हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, दमाम में है ये। तो आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट है और क्या कौन से एनिमल्स हैं। गूगल पे सर्च किया था हमने, तो इसलिए जाकर देखते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलें। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं हम लोग अपनी लोकेशन पर, और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी व्लॉग्स आप लोग देख सकें। फार्म में हम लोग एंटर हो चुके हैं, और इन्होंने 20 रियाल पर पर्सन चार्ज किया है, बच्चों के चार्जेस नहीं लिए। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। और अगर गर्मी होती तो यहाँ कोई भी नहीं होता, क्योंकि अब मौसम गर्म की तरफ जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा मौसम था और शाम होने वाली है, तो चलिए नेचर को इंजॉय कीजिए। ये एनिमल्स की साइट पर आ गए हैं, और यहाँ पर बच्चों ने स्पेशली ज़्यादा इन्जॉय किया। बच्चों के लिहाज से वर्थ इट है, रिकमेंडेड है, आ सकते हैं आप लोग यहाँ। ज़्यादा बड़ी स्पेस में ये फार्म नहीं है, छोटी सी स्पेस में बना है कि एक साइड से एंटर हुए और दूसरी साइड से एग्जिट। और यहाँ पर पेड़ में कुछ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, ये आई थिंक चेरी है, और ये इन्होंने कुछ कवर किए हुए हैं फ्रूट्स वगैरह। आगे काऊ भी नज़र आ गई बच्चों को। यहाँ पर हम लोग रुक गए क्योंकि बच्चों की मोस्ट फेवरेट एनिमल्स हैं काऊ, तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर रहे। Thank you.
साइड आ गए हैं हम लोग, और ये काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉबेरीज हैं इतनी बड़ी स्पेस में, और ये छोटी छोटी जो है स्ट्रॉबेरीज नज़र आ रही होंगी, लेकिन शायद ये सीज़न नहीं था तो इसलिए कम कम थी, और बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरीज नज़र आईं। बहुत अच्छा लग रहा था, एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल, और यहाँ पर हर चीज़ जो है ये सेल भी कर रहे थे। जैसे ये बेल पेपर लगी हुई है हर कलर में, तो ये 25 रियाल का एक बॉक्स था यहाँ पर, तो कुछ लोग ले भी रहे थे। शायद ये ऑर्गेनिक हो, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 25 रियाल का एक पैक देते। और हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ली। यहाँ पर बहुत अच्छे बर्ड्स और पैरोट्स भी थे यहाँ पर, बट यहाँ पर एंट्री का टिकट था 10 रियाल पर पर्सन, बच्चों और बड़ों का। यहाँ पर सबका 10 रियाल चार्ज किया था इन लोगों ने, और बहुत खूबसूरत यहाँ पर पैरट्स नज़र आए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, अब्दुल्ला भी और अशर भी, इन लोगों ने बिल्कुल भी हाथ पर नहीं बिठाया, लेकिन अम्मी ने अवेल कर लिया। अब हो गई है रात, और यहाँ पर घूमते घूमते बच्चे जो हैं वो हंगरी हो गए हैं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं थी, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स वगैरह थे, तो यहाँ से बच्चों के लिए लिए हैं फ्रेंच फ्राइज और जूस, फिर ये खाकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर माई साइड टूडे। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।